मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 400 के पार जा चुका है, लेकिन अभी तक चीन की सरकार के पास इससे निपटने का कोई उपाय नहीं है। अपने नागरिकों को मौत के मुंह में जाता देखने के सिवा फिलहाल चीन के पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि आर्थिक तौर पर चीन की हालत और ज्यादा खराब है। 425 मौत, 2000 से ज्यादा लोग लड़ रहे जिंदगी और मौत की जंग, 17000 से ज्यादा संक्रमित लोग, 24 देशों में कोरोना का कहर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये सिर्फ कोरोना के फैलने के दौरान के हालात नहीं थे, ये वो तस्वीरें हैं जिससे निकलना इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और सबसे बड़ी चुनौती ये चीन के लिए है, जहां 350 से ज्यादा मौतों के साथ साथ 2000 से ज्यादा लोग इस वक्त पे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और इससे इतर चीन के शेयर बाजार में 13 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है और निवेशकों को 32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ चुका है। यानी आर्थिक रूप से चीन को गंभीर चोट लगी है। चीन के हुबोई प्रांत में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 350 के आंकड़े को पार कर चुका है और स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक 17000 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस से बढ़ते खतरे के बीच पूरी दुनिया में चीन विरोधी भावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कई देशों ने चीन के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग और वियतनाम के कई रेस्टोरेंट्स ने चीनी ग्राहकों से दूरी बना ली है। इनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया है कि रविवार को चीन के बाहर फिलीपींस में कोरोना वायरस से पहले व्यक्ति की मौत हुई। 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत 1 फरवरी को हुई थी और दुनिया के अलग अलग देशों में इस वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज अब भी जारी है। इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए और चीन के अलावा 7 एशियाई देशों में कोरोना वायरस से जुड़े मामले सामने आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया जा चुका है और इसके बाद ही कई देशों ने चीन से अपने नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसमें भारत को सफलता मिल भी चुकी है। लेकिन तेजी से बनती कोरोना नामक इस महामारी पर काबू कब पाया जाएगा, बड़ा सवाल अभी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।